अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आज हम आईसीटी में नंबर सिस्टम वाले टॉपिक को आगे लेके चलते हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सेकंड मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, डेसिमल टू अदर्स को डिस्कस किया था, यानी कि डेसिमल से बाकी तमाम तर नंबर सिस्टम में हमने कन्वर्जेंस डिस्कस की थी। इस मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, तमाम तर अलग अलग नंबर से हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे कि इनको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जो हर हमारे पास वेरिएशन है उसकी हम दो दो एग्जांपल्स करेंगे। जैसे अगर हम बाइनरी टू डेसिमल कर रहे हैं तो एक वीडियो के अंदर हम कवर अप करेंगे नॉर्मल वैल्यू को और एक वीडियो के अंदर हम कवर अप करेंगे पॉइंट वैल्यूज को, राइट, ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो हर मॉड्यूल की, इन दो मॉड्यूल्स की आपको टोटल 12 वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी, राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। हमारे पास एक प्रॉब्लम है 10110011, ये एक नंबर गिवन है बाइनरी में और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। जब भी हमने डेसिमल टू अदर्स करना होता था तो हम तो डिवीजन वाला मेथड यूज करते थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक अलग मेथड यूज करेंगे क्योंकि हमने एक अलग नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पहले हम डेसिमल से किसी और में कन्वर्ट करते थे, राइट। तो हमने कौन सा मेथड फॉलो अप करना है, आपको एक बार ट्रिक समझ आ जाए तो आप तमाम तर जो कन्वर्जन है वो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, राइट। अच्छा, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको इन तमाम तर नंबर्स को इस बेस के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। कैसे, देखें, जैसे हमारे पास ये 1 है तो आप यहां पे लिखें 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, देन आप लिखें 0 मल्टीप्लाई बाय 2, देन आप लिखें प्लस, फिर आपके पास क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, देन फिर प्लस, फिर आपके पास क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर दोबारा लिखे प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, देन प्लस, आपके पास आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2, देन प्लस, फिर आपके पास आ गया 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, फिर आपके पास क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आपके पास टोटल वैल्यूज आ गई, ये जितनी आपने वैल्यूज थी आपने इस बेस से इसको मल्टीप्लाई करना है। इस बेस से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है, आपने इसको फ्रॉम द मोस्ट राइट हैंड साइड इसको आपने पावर्स देनी है, किसको, इस 2 की बेस को। कैसे, देखें, ए 2 यहां से स्टार्ट हो रहा है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब ये टोटल मैंने इनको वैल्यूज दे दी, आपने इनको सीक्वेंस इस तरह वैल्यूज दे देनी है। अब हमने क्या करना है, अब आपका काम आसान हो गया। कैसे, देखें, आप जो जीरो वाली वैल्यूज हैं उनको तो एलिमिनेट कर दें, क्योंकि आप जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लें तो वो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी। तो ऐसा कर लें, ये 1 से मल्टीप्लाई है। और इसका क्या मतलब है, इसका मैं थोड़ा सा मतलब समझा दूं, अक्सर स्टूडेंट्स को, बिगिनर्स को इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। अगर ये लिखा हुआ है ना 2 पावर 2, तो इसका मतलब है कि आपने 2 को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह अगर आपके पास लिखा हुआ है ना 2 पावर 3, तो इसका मतलब है आपने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो इससे आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है, 2 2s are 4 एंड 4 2s are आपके पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, राइट। तो ये आपने इस तरीके से करना है। अच्छा जी, अब आप क्या कर ले, आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, राइट। कैसे, देखें, आप इधर से कर ले 1 मल्टीप्लाई बाय 2 को 8 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 256, प्लस कर ले उसको, देन आपके पास यहां पे 0 है तो इसको 0 कर दे, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। फिर आपके पास क्या है प्लस, आप इस तरह कर ले 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 6 से आपके पास क्या आता है, 2 पावर 6 से आपके पास आता है 64, ठीक है, आप यहां लिख ले 64, देन आप प्लस करें और 2 पावर 5 से आपके पास आता है 32। तो मैं कर रहा हूं 1 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस, ये 4 से हो रहा है, 0 से हो रहा है तो आप इधर 0 लिख लें, फिर प्लस कर ले, 2 पावर 3 आ रहा है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8, यहां पे मैंने जैसे आपको करके भी बताया, देन प्लस कर ले और ये 0 से आ रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको पूरा मुकम्मल 0 ही लिख लें, देन आपके पास प्लस आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 मतलब 2 को एक बार मल्टीप्लाई करो तो 2 ही आ गया प्लस। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसी पॉइंट पे आके गलती करते हैं। कैसे, देखें, अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है आपके पास, लेट से मैंने यहां पे 10 लिख दिया या 1000 लिख दिया या 2 लिख दिया या 1 लिख दिया, व्हाटसोएवर,
अगर उस नंबर की पावर जीरो है तो ये किसके बराबर होगा, वन के बराबर होगा। ये चीज मैं आपको अभी प्रैक्टिकली प्रूफ भी करके दिखाता हूं, एक्चुअल में ये मैथमेटिक्स की बात है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता दूं इसकी ये कैसे है, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए और ये कंफ्यूजन ना रहे। अगर कोई भी पावर आपको, कोई भी नंबर दिया जाए और उसकी पावर जीरो दी जाए तो क्या आएगा, उसका रिजल्ट आपके पास वन के बराबर होगा। देखें कैसे, अब मैं आपको करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमें गिवन है 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैंने ये प्रूव करना है, ये मेरे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये है मेरे पास राइट हैंड साइड, ठीक है। तो 2 पावर 0 से क्या आता है आपके पास, अगर इस 2 पावर 0 को मैं ऐसे लिख लूं 2 into 1 minus 1, राइट, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने 0 को तोड़ दिया, एक किस्म के इसके फैक्टर्स बना लिए, और यहां पे इज इक्वल टू 1 उसी तरह, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना चाह रहा हूं, तो इसको मैं अगर इस तरह लिख लूं 2 into 1 dot 2 into minus 1, इस माइनस वन वाले कॉम्पोनेंट को मैंने अलग कर दिया क्योंकि बेसिस सेम थी तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो मैंने इनको अलग कर दिया, राइट, और वन कर लिया। और अगर इस टू को मैं नीचे ले जाऊं तो ये पावर नेगेटिव में, ये किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 2 power 1, ये माइनस वन, ठीक है। तो 2 power 1 लिखें या कुछ भी ना लिखें कोई मसला नहीं है, तो अगर आप इन दोनों को कैंसिल आउट करें तो आपके पास क्या आएगा, 1, तो आपके पास क्या आ रहा है, 1 is equal to 1, जो कि बात प्रूफ हो रही है, राइट, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, ठीक है। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर आपको पावर जीरो मिल रही है तो वो किसके बराबर है, वन के बराबर है, राइट। तो इसको देखें यहां पे, अब अगर मैं इसको ऐसे कर देता कि जीरो तो गलत हो जाता मेरा क्वेश्चन, तो आपने यहां क्या करना है, 1 multiply by, ये मैं स्पेशली एक दूसरे कलर से इसीलिए लिख के हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको ये चीज याद रहे, राइट। तो 1 multiply by 2 power 0 से क्या आता है आपके पास, 1 आता है, तो 1 multiply by 1 आपने यहां लिखना है, राइट, ओके। अब इसको सॉल्व कर ले सिंपल, तो आपके पास यहां आ जाएगा क्या, यहां आपके पास आ जाएगा 256 plus 64 plus 32 plus 0 को एलिमिनेट कर ले, ठीक है, 8 plus 2 and plus 1, इसको आप एड अप कर ले तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 363, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, नंबर आ गया। तो आपने बेसिकली बाइनरी इनपुट दिया और इस प्रोसीजर के थ्रू आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, एक डेसिमल नंबर आ गया, राइट। तो आप इसको यहां पे ऐसे लिख लें कि 1 0 1 1 0 1 0 1 1, राइट, ये आपके पास बाइनरी नंबर था और ये डेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद क्या बन गया, 363, राइट। आई होप सो आपको ये कन्वर्जन समझ में आई होगी, इंतहाई आसान प्रोसीजर है इस कन्वर्जन को करने का, एक बार आप इस मेथड को समझ लें तो बाइनरी टू डेसिमल की तरह है, इसी तरह आपके पास ऑक्टल टू डेसिमल भी इसी तरह है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसी वेरिएशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक पॉइंट वैल्यू के साथ, राइट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।